तो समय से सिलेक्शन बच्चों का हो जाए, मनपसंद सब्जेक्ट भी मिले और कॉम्पिटेंट बच्चे ही सेलेक्ट होकर अच्छे सब्जेक्ट्स के लिए पहुंचे। तो सर ये भी एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि एवरेज मार्किंग जहां पर होती है तो कहां तो सब्जेक्ट मिलने में, अच्छा कॉलेज मिलने में पॉइंट से ही लोग पीछे भी रह जाते हैं। तो अब जब मार्किंग इस किसी फॉर्मूले के आधार पर होगी तो फिर इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, मेधावी छात्रों के साथ अन्याय ना हो सके इसलिए हमने इंटरमीडिएट में हाई स्कूल की परीक्षा में जो प्राप्त अंक थे उनको भी हमने औसत बनाने के समय उनको भी जोड़ने पर हम विचार कर रहे हैं, जिससे हाई स्कूल में जो बच्चे के पर आते हैं आप देखें लगभग उसी के आसपास वो मेधावी छात्र इंटरमीडिएट में भी सफलता प्राप्त करते हैं। एक छोटा सा आधार ये हमारा बन पड़ेगा। अब हमारे देखना होगा कि हमारी प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको हम लें, या हमारी मिड टर्म की कोई परीक्षा हुई है उसको हम लें, या हम कौन सा फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको हम आधार बनावें। ये तमाम विकल्प हमारे सामने खुले हैं। हमारी जो मूल्यांकन समिति अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी है वो इन सारे विकल्पों पर विचार कर रही है, जिससे ये दिख सके कि जो हमने इनको अंक दिए हैं वो अंक पारदर्शी भी हैं, सर्वस्पर्शी भी हैं और न्यूट्रल होके विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता के काफ़ी करीब है। मैं 100% करीब होंगे ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार अंक मिल सके इसकी भरसक प्रयत्न होगा। जी, तो आप इस बात को लेकर अश्योर कर रहे हैं कि किसी के भी साथ जो है वो इनजस्टिस नहीं होने दिया जाएगा। जो इंटेलिजेंट हैं या जो 90+ आने वाले बच्चे हैं या जो टॉपर्स लिस्ट में आने वाले बच्चे हैं उनको भी उनका मनपसंद सब्जेक्ट, अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिले, सबके साथ न्याय हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब सर बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो पहले से ही अंडर ग्रेजुएट हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो अब 1 से 1.25 साल का वक्त हो चुका है जब हम इस महामारी के बीच में हैं, तो क्लासेस ठीक से नहीं हो पाई हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो ऐसे में सिलेबस को कैसे पूरा करेंगे? इसको इंश्योर करने के लिए क्या कोई मेंटल बर्डन तो एकदम से स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा? कैसे उनकी परीक्षाएं होंगी, इसको लेकर क्या योजना है? नहीं, अगर आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की आप बात कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है। हमने ऑफलाइन भी कक्षाएं लेने में हम सफल हुए हैं और ऑनलाइन भी हमने बड़े विधिवत तरीके से इसको कोर्स को पूरा किया है। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे जो लेक्चरर्स या प्रोफेसर थे, हमने इसको एक कोरोना संक्रमण काल को एक हमने उपलब्धि जो उसमें शिक्षा विभाग की हो सकती थी उसको लेने की कोशिश की और 70,000 से ऊपर की ई कंटेंट डिजिटल लाइब्रेरी हमने बना ली कि लेक्चर्स के जो हमारे अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनके जो लेक्चर्स हैं उनको हमने अपलोड किया है डिजिटल लाइब्रेरी पे और ये पूरे भारतवर्ष में बड़ी पॉपुलर हुई है। IIT खड़गपुर ने और तमाम अन्य लोगों ने हमसे टाई अप भी किया है इसके लिए। ये बच्चों के लिए उपलब्ध है, बच्चे कभी भी बैठ के लेक्चर्स के फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर्स को अपने घर में बैठे वो सुन सकते हैं, उसके आधार पर वो आगे की अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ऑफलाइन भी हमने कुछ महीने पढ़ाई कराई है बीच में, तो अगर दोनों को मिला लें तो कोर्स हमारा लगभग कंप्लीट है। जो डिग्री कॉलेज और जो पोस्ट डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें लगभग कोर्स कंप्लीट की अवस्था में है। अब ये अलग विषय होगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो इंटीरियर गांव में हों जहां तक नेटवर्क ना पहुंचा हो, उसका लाभ वो ना उठा पाए होंगे, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या भी हो सकती है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की शिकायतें देखने को नहीं मिली हैं, क्योंकि हमने ई कंटेंट के साथ साथ जो चैनल्स हैं, स्वयं प्रभा चैनल है, ई गंगा पोर्टल है या इस प्रकार की व्यवस्था दूरदर्शन है, इनको भी हम लोगों ने माध्यम बनाया था और इनके अनुसार भी पढ़ाई हो सके इसकी पूरी कोशिश की थी।